नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोविड 19 की बड़ी पिक्चर के साथ साथ कि जो अलग अलग चीजें निकल के आ रही है, एक तो है बूस्टर डोज लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, जबकि अभी भी जैसे अफ्रीका में 2% लोगों को ही सिर्फ अब पूरी सी वैक्सीन मिली है। हिंदुस्तान में भी नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है, हालांकि एक शॉट जो टारगेट ग्रुप है करीब 50% मिल गया है, पर पूरी वैक्सीनेशन में अभी भी बहुत दूर है। और एक ही शॉट मिला है, दो शॉट बहुत कम लोगों को अभी तक मिला है, 10% 11% के लगभग मिला है। तो ये सब देखते हुए बूस्टर डोज की आप बात करना क्या सही होगा, एक तो सवाल ये है। और इसके साथ साथ जो दूसरा क्वेश्चन सत्यजीत से पूछेंगे, पहले ही बता रहे हैं कि जो प्लान थी कि वैक्सीन के जरिए शायद कभी हमको ऐसी बीमारी नहीं होगी, क्या ये सही है, क्या ये एक्चुअली दूसरे बीमारियों के लिए हुआ है या नहीं। पहली बात सत्यजीत आपसे पूछे, जो बूस्टर डोज की बात हो रही है, खास तौर से जब अभी भी बहुत सारे देशों में वैक्सीन ही नहीं पहुंचा है, कुछ देशों में 70% 80% की बात हो रही है पर बहुतेरे देशों में पहुंचा नहीं है। और अमेरिका में जब बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो वैक्सीन ले ही नहीं रहे, तो इस सब देखते हुए क्या एक दृष्टिकोण जो अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए पब्लिक हेल्थ के नजरिए से, ये क्या बूस्टर डोज को सपोर्ट करता है? इसमें तो जो बात बार बार उभर के आ रही है वो विषमता की है। पहली बात अपन सब अच्छे तरीके से दिमाग में बिठवा लें कि टीके काम करते हैं और सबसे अच्छा, सबसे सही, सबसे भरोसेमंद काम ये करते हैं कि गंभीर बीमारी से और मौत से बचाते हैं। कोविड वाली सारे के सारे जितने टीके दुनिया में हैं, सारे के सारे इस तरीके का काम बहुत अच्छा करते हैं। ना सिर्फ जांचों में करते हैं, रोजमर्रा के नतीजों में भी अब बार बार ये दिखने लगा है, भारत में दिखने लगा है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड के आंकड़े कल सामने आए हैं कि 98% से ज़्यादा बचाव होता है गंभीर बीमारी और मौत से। तो अमेरिका में भी ये इसी तरीके के नतीजे सामने आए हैं। तो जहाँ देखो वहाँ ये साफ है कि टीकों के दो डोज अगर ले लें तो गंभीर बीमारी से और मौत से बचाव होता है। चीनी टीके हो, रूसी टीके हो, अमरीकी टीके हो, हिंदुस्तानी टीके हो, सब टीकों का जो नतीजा आप जो कह रहे हैं, सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स की बात नहीं, प्रैक्टिस में हम देख रहे हैं, यही दर्शाता है। ये आपका जी बिल्कुल उसी लिए मैं रोजमर्रा की जिंदगी के नतीजों की बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ जांच परखों की और परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ। और वो भी जो एस्ट्राजेनेका का टीका है जो इंग्लैंड में और भारत में इस्तेमाल होता है, उसके जो आंकड़े इंग्लैंड में अभी हाल में पिछले हफ्ते भर में सामने आने लगे हैं, वो भी बिल्कुल यही दर्शाते हैं कि डेल्टा वेरिएंट के, डेल्टा नस्ल के खिलाफ भी गंभीर बीमारी से बचाव 95% से ज्यादा अरसे में हो रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ICMR के जो आंकड़े हैं वो भी इसी तरीके के नतीजे दिखा रहे हैं। तो जाहिर है कि जान बचाने के लिए किसी भी टीके के दो डोज अभी के लिए काफी है, अभी के लिए काफी है। तो रही बात संक्रमण को रोकने की, अपन ये पिछले 1.5 साल से बार बार कहते आए हैं कि विषाणु का संक्रमण, विषाणु की शरीर में बढ़त और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसका पहुंचना यानी कि उसका फैलाव, ये एक बात हुई। दूसरी बात शरीर में बीमारी का पैदा होना फलस्वरूप, तो शरीर में गंभीर बीमारी का पैदा होना टीके से काबू में आता है, लेकिन शरीर में विषाणु का फैलाव और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विषाणु का प्रसार, इस पर टीके के जरिए काबू पाना उतना असरदार नहीं है जितना कि
मौत या गंभीर बीमारी के खिलाफ टीकों का असर है, फिर भी 30-40-50% तक असर है, लेकिन यूं नहीं है कि वो बिल्कुल रुक ही जाए। इसके दो नतीजे हैं। एक नतीजा तो ये है कि इसलिए अगर संक्रमण को अपन ने रोकना है, खास करके डेल्टा जैसी बहुत आसानी से फैलने वाली नस्लों के को रोकना है, तो नकाब मास्क पहनते रहना अभी भी बिल्कुल जरूरी है। भीड़ से जहां तक हो सके बचना अभी तक जरूरी है। वो इसलिए नहीं कि अपन मर जाए, क्योंकि इसलिए कि अपन फैलाव में शिरकत ना करें। यह हुई एक बात। लेकिन दूसरी बात जो अमीर देशों के नीतियों के खिलाफ मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि दूसरे के बाद तीसरे चौथे डोज टीकों के लेकर, जिसे जिन्हें आप बूस्टर डोज कह रहे हैं, उस तरीके के डोज देकर एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ाते जाओ और ये आशा करो कि उस बढ़ती एंटीबॉडी की मात्रा से संक्रमण पर काबू पा जाए। तो ये दो मुद्दे खड़े करता है। एक मुद्दा तो ये है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि इतनी बढ़न से संक्रमण के पे अच्छा खासा काबू पाया जाएगा। दूसरी ओर नीति का मसला है, समता का मसला है, और वो जो आपने कहा वो है कि दुनिया में कई लोगों को अभी तक एक भी डोज नहीं मिला किसी भी टीके का, दो डोज की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। तो वो सब लोग कोविड से गंभीर भी रूप से बीमार हो सकते हैं या मौत के घाट उतर सकते हैं। उन तक टीके पहुंचाने के बजाय अपन संक्रमण पे थोड़ा सा ज्यादा काबू पाने के लिए तीसरे डोज की नीति अपने देश में बनवाए हैं, इससे ज्यादा संकुचित पूंजीवाद का और क्या सबूत हो सकता है, मैं पूछता हूं। इसको कह सकते हैं कि बहुत ही सेल्फिश नजरिया, और क्या हो सकता है, ये भी है, सिर्फ अपना देखे दूसरों को ना। सिर्फ अपना हित देखने वाला संकुचित नजरिया और सिर्फ मुनाफे को देखने वाला पूंजीवादी नजरिया। पूंजीवादी नजरिया, पर उसके साथ साथ ये भी बात है कि ये जो वैक्सीन्स है अभी दूसरे देशों में सिर्फ पहुंच ही नहीं रहा है, ये बात नहीं है, वहां के हेल्थ वर्कर्स जो कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स कहते हैं अफ्रीका के बड़े पैमाने पे, उन तक भी ये वैक्सीन्स नहीं पहुंचा है। तो ये है कि जो पहले शारी की पहले लाइन की जो कतार की जो सिपाही है कोविड 19 के खिलाफ संघर्ष करने वाले, उन तक अगर वैक्सीन नहीं पहुंचेगा तो उन समाज के बारे में सोचिए कि वहां अगर फैलाव बढ़ेगा तो क्या होगा। इसका मतलब अस्पताल डॉक्टर भी आपके पास नहीं होंगे। ये स्थिति बहुत देशों में अभी भी जारी है। तो सिर्फ पूंजीवादी नजरिया नहीं, ये सिर्फ स्वार्थ की बात नहीं, ये एक क्या कहेंगे बेवकूफी की बात है। वो नहीं समझ रहे कि अगर दुनिया के एक बड़े पैमाने पर कहीं भी ये बीमारी रहेगा फैलेगा तो नए नस्ल भी पैदा होंगे। हम इसको इसको बिल्कुल इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ये तो अपने लिए भी दूरदर्शिता नहीं है। सबसे दूसरी बात आपने इस चीज पे ये रखा है अभी भी कि संक्रमण रोकने के लिए टीका अभी भी कारगर नहीं है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का ये समझ था कि शायद हमारे पास ऐसे टीके हैं कुछ बीमारियों की जिसमें हमने पूरी तरह से इन्फेक्शन पर काबू पा लिए हैं टीकों के जरिए। ये मीजल्स के बारे में सोचा जाता था और भी कुछ बीमारियों के बारे में सोचा जाता था। या ये पिक्चर जिसको जिसको स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी कहा जाता है कि पूरी तरह से रोक देते, ये क्या एक्चुअली दूसरे बीमारियों के लिए संभव हुआ है और क्या ये कोविड 19 के लिए संभव हो सकता है? तो मैं सब साथियों को याद दिलाऊंगा कि पिछले साल जब हम टीकों की प्रतीक्षा कर रहे थे तब ये सोचे थे कि भाई 40-50% असरदारी मिले ना टीके की
तो बहुत है। हमें इससे एक अजीबो गरीब अलग सी सोच आई है कि ये जो टीके हैं ये उससे कई गुना बढ़कर असरदार है गंभीर बीमारी रोकने के लिए, 90% से ज्यादा। तो इसलिए हम टीकों से ऐसी अपेक्षाएं कर रहे हैं जो किसी भी टीके को लेकर हमारे इतिहास में अभी तक हमने रखी नहीं है। बार बार लोग कहते हैं कि येलो फीवर का जो टीका है अफ्रीका में, जो पीतज्वर होता है उसके लिए जो काफी असरदार टीका है वो संक्रमण को रोकता है। जी, कोई सबूत नहीं है। बार बार लोग कहते हैं कि मीजल्स का टीका संक्रमण को रोकता हो, जी कोई सबूत नहीं है। यहां तक के चेचक के जो टीके हैं, जो आप और हमारी उम्र के बुजुर्गों में कभी हाथों पे जिनके निशान मौजूद हैं, लेकिन हमारे जो युवा दर्शक हैं उन्होंने तो कभी सुना भी नहीं है चेचक के टीकों के बारे में। तो चेचक के टीकों के जरिए चेचक दुनिया से निकल गई, फिर भी आज तक ये हमारे सामने सबूतों के आधार पर आया नहीं है कि क्या चेचक का टीका बगैर बीमारी के चेचक के मर्यादित संक्रमण से रोक सकता है या नहीं, क्योंकि टीके प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाते हैं। तो प्रतिरक्षा क्षमता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और प्राकृतिक प्रक्रिया जैविक उद्विकास के साथ जुड़ी हुई है, एवोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई है। अब एवोल्यूशन में अगर जीव के शरीर पर कोई बुरा असर ना पड़े संक्रमण का, तो क्यों भला ऐसी प्रक्रिया निर्माण होगी कि फिर भी वो उस संक्रमण को रोकने के लिए अपनी शक्ति जाया करे। तो इसलिए ये सोचना ही एक तरीके से फजूल बात है कि आखिरी जो छोटा छोटा संक्रमण होता है विषाणुओं का, वो भी प्रतिकार क्षमता से बिल्कुल पूरी तरह 100% रोका जाएगा। इसका मतलब कि आप जो कह रहे हैं कि स्टरलाइजिंग इम्यूनिटी एक हिसाब से एक माया जाल है, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। हमारी लक्ष्य होना चाहिए कि बीमारी को रोके, संक्रमण को कम करे और एकदम निर्मूल करे। वो चीज सिर्फ आपकी वैक्सीन से नहीं होगा, वो बहुत सारे और भी चीजें जब होती है तब धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता जाएगा। और हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर इसका फैलाव होगा, फिर उसको रोकने की जरूरत पड़ेगा। अभी भी प्लेग का फैलाव दुनिया में एकदम बंद नहीं हुआ है, और पोलियो हम जानते हैं वो वाइल्ड में मतलब जानवरों में अभी भी है। और इस तरह से जाहिर है कि ये हमारी जो बीमारी है COVID-19, इसकी जो इन्फेक्शन्स है ये बहुत और जानवर भी इस वक्त है, हम जानते हैं। और इसीलिए इसको दुनिया से अगर हम 100% जो आप कह रहे हैं स्टरिलाइजिंग इम्यूनिटी भी आ जाती है, तभी भी ये दुनिया में रहेगा। और इसीलिए उसके साथ साथ हमारे उसकी खिलाफ जो और कदम हैं वो लेनी पड़ेगी। पर स्टरिलाइजिंग इम्यूनिटी के नाम पे हम इस मरीचिका के पीछे ना भागे, ताकि इसमें सेकेंड थर्ड फोर्थ बूस्टर डोज की बातें करें और ये लगाते जाए, तबकि एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया में अभी भी जिसको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। और अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन सप्लाई करने वाला देश हिंदुस्तान, भारतवर्ष, अभी भी अपना टारगेट मीट करने की उस रास्ते पे पूरी तरह से नहीं आ पाया है। इसीलिए अभी भी नहीं लगता कि हम दुनिया का वैक्सीन एक्सपोर्ट अभी भी कर पा रहे हैं या कर पाएंगे जल्दी ही। इस बातचीत को हम आगे रखेंगे आपके सामने, हमारी वैक्सीन उत्पादन का स्थिति क्या है और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सिर्फ आपकी से एक आवेदन है, न्यूज़क्लिक में हम सब्सक्रिप्शन की मॉडल जारी करने जा रहे हैं। जब आता है हमें समर्थन कीजिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़क्लिक, और हमारे वेबसाइट भी आइएगा।